अब वो जमाना गया जब दुश्मन के खात्मे के लिए सीधे सीधे भिड़ना पड़ता था। अब तो हजारों मील दूर से बटन दबाइए और एक झटके में सब कुछ खत्म। अमेरिका का MQ-9B रीपर ड्रोन दुश्मनों के लिए काल है। हाल ही में दबे पांव अल जवाहिरी को जहन्नुम पहुंचाने वाले इस अमेरिकी ड्रोन को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। MQ-9 रिपर ड्रोन की खासियत ही कुछ ऐसी है कि हर कोई इसे अपने तरकश में रखना चाहता है। भारत भी उन देशों में शामिल है जो घातक MQ-9 रिपर ड्रोन को खरीदना चाहते हैं। कई देश इसे खरीदना क्यों चाहते हैं, ये जानने के लिए आपको MQ-9 रिपर ड्रोन की खासियत को जानना चाहिए। ये ड्रोन लगभग अदृश्य रहकर हमला करता है, दुश्मन को इसके मूवमेंट की खबर तक नहीं मिलती। अमेरिका इसे हंटर किलर UAV 3D में रखता है। ये एक लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये ड्रोन सर्विलांस कर सकता है, जासूसी कर सकता है, सूचना जमा करने या फिर दुश्मन को ठिकाने पर चुपके से हमला करने में भी काम आ सकता है। इस ड्रोन की रेंज 1900 किलोमीटर है। अपने साथ 1700 किलोग्राम के वजन का हथियार लेकर जा सकता है। इसकी लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन 65.7 फीट है, ऊंचाई 12.6 फीट है। ये ड्रोन एक बार में 1800 किलोग्राम ईंधन लेकर उड़ सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। ये समुद्र के नीचे से भी टोह ले सकता है और सटीक जानकारी देता है। माना जा रहा है कि भारत इस अमेरिकी ड्रोन को खरीदने वाला है। इसकी तैनाती LAC, LOC के साथ साथ समुद्री सीमा पर भी होगी। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ निगरानी करने बल्कि चुपके से दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।